वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। मैं भी आपकी दुआ से ठीक हूँ। आज मौसम बड़ा अच्छा है तो हम बच्चों को लेके जा रहे हैं पार्क, तो मैंने सोचा आपको भी लेके चले, तो चले चलते हैं। और आए मेरे जी, तो यहाँ पर हम घर से निकल चुके हैं। मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि गाड़ी में आपको पहले बता चुकी हूँ कि शोर काफ़ी होता है बच्चों का इस वजह से। और ये जगह तो आपको जानते होंगे इस जगह को, क्योंकि घर से निकलते हुए हमारी ये सामने सड़क है और ये मार्केट है। आप काफ़ी वीडियोस में देख चुके होंगे। बच्चों की ये बड़ी खुशी का मौका होता है जब कहीं बाहर निकलना हो, और ख़ास तौर पे जब पार्क का नाम आए तो बच्चे तो खुशी के मारे, उनको समझ नहीं आती कि क्या करें। और सारे इतने एक्साइटेड थे और मौसम इतना खूबसूरत मौसम था। दो तीन दिन से बारिश हो रही है, बड़ा अच्छा मौसम है। और ये देखें गाइज, आपको मेरी ऐसी वीडियोस कैसी लगती हैं प्लीज़ मुझे बताया करें कमेंट्स में, ताकि मैं और वीडियोस बना सकूं ऐसे। जी, तो यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं पार्क में। ये देखें, बच्चों ने बड़ा एंजॉय किया। उनका तो दिल ही नहीं कर रहा था कि हम घर वापस जाएं, लेकिन घर तो वापस आना था। थक चुके थे और उनको भूख भी बहुत लग गई थी, तो इस वजह से फिर और ये देखिए, यहाँ पर हम घर वापस जा रहे हैं। तो पार्क से हम घूम के आ गए हैं और बहुत इंजॉय किया बच्चों ने, और अब इनको लग गई है भूख। तो मैं इनके लिए बना रही हूँ आज फ्रेंच टोस्ट, तो मैंने कहा आपके साथ भी शेयर करूँ। ये देखिए, मैंने एक प्लेट के अंदर दूध ले लिया है, 2 से 3 चम्मच। अब इसमें मैं ऐड करूँगी शुगर। ये शुगर जो है मैंने खुद ये पीस के रखी है, ये देखिए इस तरह। और जितना आप मीठा खाना चाहते हैं उतना बना लें। ये देखिए, इसको अच्छे से मिक्स करें। देखें जी, जब चीनी अच्छे से मिक्स हो जाए तो मैंने इसमें एक एग ऐड कर दिया। इसको मिक्स करें अच्छे से, देखिए बीट करें इसको अच्छे से। देखिए अच्छे से बीट करें। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 चम्मच बटर, आप कोई सा भी ले सकते हैं। बटर ऐड करें, इसको भी मिक्स करें अच्छे से। देखिए अच्छा सा मिक्स हो गया जी। मैं तवे पे बना रही हूँ, अगर आप पैन में बनाना चाहते हैं, फ्राइंग पैन में, आप उसमें बना सकते हैं। और इस पे मैंने ऑयल डाला है, ऑयल को हल्का सा हम करेंगे गरम। अब ब्रेड को मैं इसमें डिप करूँगी यूँ दोनों साइडों से। मेरे पास ये स्मॉल साइज़ वाली ब्रेड है, दोनों साइडों से इसको अच्छे से डिप करें और इसको इस तरह से रखें। साइडों से इसको पकाएं अच्छे से। इसको आपने लाइट ब्राउन रखना है, ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करना। और ये देखें, बड़ी मज़े की रेसिपी है, ये भी ज़रूर ट्राई करें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक किया करें, शेयर करें। और आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगे मुझे कॉमेंट्स में बताएँ, मुझे आपके कॉमेंट्स का इंतज़ार रहता है।
और ये देखिए अभी बन रहे हैं मज़ेदार किस्म के फ्रेंच टोस्ट तैयार हैं मेरे तरीके से। आप भी ज़रूर ट्राई करें, यकीनन आप इंजॉय करेंगे। और मुझे दें इजाज़त, मैं आपको मिलूंगी नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। खुदा हाफिज़।